हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी होगा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी लोअर, जो कि पहले लोअर पीसीएस था, वो अभी यूपी ट्रिपल एस सी करा रहा है, उसके लिए क्रैश कोर्स के टर्म पे आपको वीडियोस 30 डे का प्रोग्राम देना था। उसके मुताबिक मैं आपके सामने मैथ का लेक्चर लेके आया हूँ। नंबर सिस्टम चैप्टर है आपका, और हम इस चैप्टर में मेनली सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी उठाता है। अगर हम जनरली पेपर देखें, जैसा कि अभी युवा कल्याण का हुआ या मंडी परिषद का हुआ अभी हाल ही में, तो आप वहाँ से एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेपर किस लेवल का बना रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं होगी, तो हमें एग्जाम में थोड़ा दिक्कत खासा पड़ रही है। बच्चे भी कई बार हमसे बोले हैं कि सर मैथ ऐसा आ गया कि मुझसे एग्जाम में नहीं लगा। तो देखिए, पेपर कुछ भी टफ नहीं आ रहा है, पेपर जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। जो भी पेपर सेट कर रहा है वो बहुत बैलेंस्ड पेपर सेट कर रहा है, वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप कॉन्सेप्ट में कितने डीपली उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। तो एक बार हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसी के लोगे मैं नंबर सिस्टम चैप्टर लेके आया हूँ। अगर पिछले पेपर को सारे देखा जाए तो नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा वेटेज भी है, और ये अगर इसका कॉन्सेप्ट एक बार हमारे पास क्लियर हो गया तो एग्जाम में विद इन बहुत कम टाइम में हम इसका नंबर अपने खाते में डाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का बिना समय को बेकार किए, क्योंकि जानते हैं कि 30 दिन का प्रोग्राम है। 30 दिन के प्रोग्राम में डेली आपको वीडियोस मिलेंगे, हो सकता है किसी दिन एक वीडियो मिले, हो सकता है किसी दिन 2-3 वीडियो मिले, और हमारी पूरी टीम की यही रहेगी पूरी कोशिश की आपको पूरा कोर्स एक बार कवर कराया जाए, वो बताया जाए जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पेपर कैसे बन रहे हैं, उसके पैटर्न पे उन क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करना है, टेम्परामेंट, स्ट्रेटजी, सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ मैटर करता है, तब जाके आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। और जब आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम, जैसा कि आप जानते हो, नंबर्स मतलब संख्या, सिस्टम पद्धति। तो अगर नंबर सिस्टम के हिंदी चैप्टर जो है इसे बोला जाए हिंदी में, तो संख्या पद्धति होता है, और इस पूरे चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो मैं आपको एक पहले क्लासिफिकेशन बताऊंगा, एक चार्ट बताऊंगा कि नंबर्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे बोला जाए तो लगभग हर बच्चे को लगता है कि नहीं, नंबर्स तो मुझे मालूम है, इवन नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन सुना होता है। लेकिन डेफिनेशन सुनना और उसके कॉन्सेप्ट को जानना, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, वो बहुत डिफरेंट थिंग है, उस चीज को हम देखेंगे। तो अगर मैं पूरे नंबर्स की बात करूं, पर्टिकुलर नंबर्स की, तो जो नंबर्स होते हैं वो मेनली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्लासिफाई होते हैं। रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हैं। और इमेजिनरी नंबर, नाम से आपको पता चल रहा है कि वो कुछ इमेजिनेशन है। ये जो है इमेजिनरी, ये हमारे कोर्स का मतलब नहीं है, क्लास 11th का चैप्टर है ये, आप लोग सभी पढ़े होंगे, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह होते हैं, आयोटा जिससे होता है वहाँ पे आ जाता है, 1+3+I2 ऐसे करके, ये सारे नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एग्जाम में देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बस क्लासिफिकेशन में आपको बता दे रहा हूँ। मेन जो हमारा है वो रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स के बारे में ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आप जानते होगे बहुत अच्छे से, नहीं जानते हो तो आप देख लो, नंबर लाइन के बीच में एकदम सेंटर पे 0 होता है, और एक तरफ रेखा यानी लाइन राइट साइड में चलती चली जाती है, और एक में लेफ्ट साइड में। ये चलते चलते कहाँ तक जा सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस के अनंत तक, और इधर से चलते चलते कहाँ आ सकती है, माइनस के इन्फिनिटी। अभी ये इन्फिनिटी क्या है, इसके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिटी एक्चुअली में है क्या, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी संख्या, मतलब अगर हम 0 से दाहिने तरफ बढ़ते चले जाएं तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये सारे पॉजिटिव के, बढ़ते 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 बहुत बड़ी संख्या। ऐसे अगर हम लेफ्ट साइड में चले तो -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ते चले जाएं तो माइनस में बहुत बड़ी संख्या। तो हम अब इसके मदद से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, अगर रियल नंबर को फर्दर तोड़ा जाए तो ये रियल नंबर्स जो होता है वो एक तो आपका इंटीजर्स देता है, और दूसरा क्या देता है,
फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक, ऐसी संख्या जो पूरी पूरी हो। पूरी पूरी मतलब कैसे? जैसे मैं बोलूं एक, मैं बोलूं दो, मैं बोलूं तीन, मैं बोलूं माइनस पांच, मैं बोलूं माइनस सात, ये सारी संख्याएं पूरी पूरी हैं, तो इन्हें मैं बोलूंगा ये क्या है? इंटीजर्स। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो एक दो तीन चार, ये माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच, ये सारे क्या है? इंटीजर्स हैं। और फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। जैसे कि अगर फ्रैक्शन की ही बात करें, आप ऐसे समझ लीजिए, ये कोई मान लीजिए पाई चार्ट है। पाई चार्ट आप लोग जानते होंगे, डीआई में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कुछ होता है, यहाँ से डिवाइड होता है 20%, 30%, 50% या और कुछ नहीं, तो पिज्जा तो आप लोग जानते ही होंगे, पिज्जा में स्लाइस होता है ना, ऐसे कुछ होता है। अभी मैं इसका एक स्लाइस बाहर निकाल लूं, है ना, एक स्लाइस अगर बाहर निकाल लूं, तो मैं बोलूंगा इस पूरे पिज्जा का ये एक पार्ट है। कितने पार्ट है? एक दो तीन चार, ये मिला के पांच, पांच का एक पार्ट, तो मैं बोलूंगा एक बटे पांच। ये क्या है? फ्रैक्शन है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है नंबर सिस्टम का पूरा, वो डेसिमल में चलता है, दशमलव में चलता है, इसीलिए हम फ्रैक्शन को क्या समझेंगे? डेसिमल है। डेसी मतलब दस, मल मतलब सिस्टम, तो डेसिमल मतलब कि दशमलव का सिस्टम। दशमलव का सिस्टम आप ऐसे समझिए कि जो भी चीजें हैं हमारी बेस वैल्यू किस पे चलती हैं? 10 पे चलती हैं। जैसे अगर मुझे 112 लिखना हो तो मैं इसे लिखूंगा 2 × 10^0, 10^0 प्लस 1 × 10^1 प्लस 1 × 10^2। तो ये सारी चीजें आप देखो 10 के बेस पे चल रहा है, इसलिए ये क्या होता है? हम इसे डेसिमल बोलते हैं। तो एक हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया, जिसे हम अपनी भाषा में डेसिमल बोलते हैं, हिंदी में इसे भिन्न बोलते हैं, इसे पूर्णांक बोलते हैं। अगर हम इसे फर्दर क्लासिफाई करें, ठीक है, अभी एग्जाम में इससे कुछ खास ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट पूछ ले कि क्या इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कई बार एप्लीकेशन उसका यूज हो जाता है, जो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे उसका एप्लीकेशन देता है। अब अगर हम फिर से इसे फर्दर क्लासिफाई करें, तो जो इंटीजर्स है इसे हम नेगेटिव इंटीजर, आई से डिनोट करते हैं इंटीजर को, पूर्णांक को, माइनस मतलब नेगेटिव के इंटीजर, प्लस मतलब पॉजिटिव के इंटीजर, और बीच का एक पार्ट होता है जीरो। ठीक, हम नंबर लाइन पे देखें तो जब हम दाहिने तरफ चल रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, तो मैं बोल रहा हूं ये सब क्या है? पॉजिटिव का इंटीजर है। बीच की वैल्यू जीरो, जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। वैसे जीरो के साथ बहुत सारे स्पेशल केस बनते हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जीरो में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, कभी इवन ऑड में होता है, कोई पूछ लेता है जीरो इवन है कि ऑड है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बोलता है इवन है, कोई बोलता है ऑड है, कोई बोलता है दोनों है, है ना, तो ये सारी कंफ्यूजन जीरो के साथ जो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी आप इंटीजर का समझिए कि जो पूरे इंटीजर्स होते हैं वो केवल तीन पार्ट से मिलके बनते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1, -2, -3, -4, -5, प्लस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, और वो अपने साथ क्या साइन लेके चलते हैं? सारे प्लस के साइन लेके चलते हैं, और माइनस वाले माइनस का साइन लेके चलते हैं। कहीं मान लीजिए प्लस का साइन नहीं लिखा है, तीन लिखा है, तो हम अपने हिसाब से समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या है? प्लस का तीन है। ठीक, अब निगेटिव इंटीजर हो गया आपका, पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका, जीरो हो गया, है ना। फ्रैक्शन की बात हम थोड़ा अभी बाद में कर लेंगे, अभी इंटीजर्स को ही फर्दर और क्लासीफाई करते हैं। अगर हम इंटीजर्स में फिर से क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास क्या आता है? एक तो आता है होल नंबर, और एक क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं, और होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। देखिए अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो नेचुरल नंबर ऐसी सारी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन चार पांच, और चलती चली जाए अनंत तक। होल नंबर में क्या है? ऐसा जो जीरो से स्टार्ट हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? होल।
ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, इसे काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, और वो एक से स्टार्ट होता है, और जो होल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, जनरली यहाँ पे करता हूँ, मैं आपसे पूछूँ चार होल नंबर है या नेचुरल, आप सोचिए एक सेकंड के लिए सोचिए, चार होल नंबर है या नेचुरल नंबर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि चार नेचुरल नंबर है, बहुत सारे बोलेंगे होल नंबर है। तो देखो चार यहां पे भी आ रहा है, चार यहां पे भी आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना कि चार नेचुरल नंबर है कि होल नंबर। डेफिनेशन तो बोलता है कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर चार की बात किया जाए कि नेचुरल नंबर है होल नंबर, तो ये हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए इस कंफ्यूजन को मैं आज आपका दूर करता हूं। जब भी बात नेचुरल नंबर और होल नंबर की हो रही हो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की बात जब हो रही हो, तो डेफिनेशन कहता है कि प्राकृतिक संख्याएं संख्याओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग विथ वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, एंड द ग्रुप ऑफ नंबर और सेट ऑफ नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो आर होल नंबर्स। ऐसी सारी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और चलती चली जाती हैं, उनका समूह, उनका सेट होल नंबर कहलाता है, और एक से स्टार्ट होने वाले संख्याओं का जो समूह है वो नेचुरल नंबर कहलाता है। कहने का मतलब नेचुरल नंबर कोई एक नंबर पर्टिकुलर नहीं होता है, वो सेट होता है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट है जो एक से स्टार्ट हो रहा है नंबर, उसे मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर, और जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा, होल नंबर बोलूंगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम इंटीजर्स के फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो ये चलता चला जाएगा, क्योंकि इवन नंबर ऑड नंबर भी एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है। अगर और भी करें तो प्राइम नंबर भी इसी में आते हैं, कंपोजिट नंबर भी इसी में आते हैं, वन भी आता है, वो सारे केस हम डिस्कस करेंगे। तो अगर देखिए मैं केवल नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, यहां पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है नीचे, बताएं नीचे आ रहा है, यहां तक आ रहा है पूरा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूं, ये प्लस इंटीजर, और इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो एक बनेगा आपका होल, जैसा कि नीचे लिखा था, मैं थोड़ा जल्दी से करता हूं, ये नेचुरल नंबर्स, ये एक से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अब अगर नेचुरल नंबर को हम फर्दर क्लासीफाई करें तो मैं इसमें बोलूंगा कि नेचुरल नंबर एक प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर से मिलके बना होता है। एक तो आप जानते हो, एक मतलब वन, वही यहां वाला जैसे स्टार्ट हो रहा है, एक काउंटिंग नंबर से स्टार्ट हो रहा है जिससे, एक प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटती हो या एक से कटती हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यह भी बहुत स्पेशल नंबर है, इसीलिए इसका नाम प्राइम है। ये बात हम बाद में समझेंगे जब हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर प्राइम नंबर इतना स्पेशल क्यों कि उसे हम प्राइम बोल देते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल, तो प्राइम नंबर भी है, खुद से और एक से। तो जो कंपोजिट नंबर होता है, ऐसे सारे नंबर जो एक और सेल्फ मतलब खुद से है ना, एक और सेल्फ के अलावा भी किसी भी नंबर से डिविजिबल हो, किसी भी एक भी नंबर से, ऐसा हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या हो जाता है, कंपोजिट। जैसे अगर मैं सात की बात करूं तो सात केवल एक से डिविजिबल है और सात से डिविजिबल है, एक से और खुद से, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं है, एक से डिविजिबल है और सात से डिविजिबल है, अगर मैं सात की बात करूं तो। लेकिन कंपोजिट नंबर की बात करूं, जैसे आठ, ये एक से भी डिविजिबल है, दो से भी डिविजिबल है, चार से भी डिविजिबल है, आठ से भी डिविजिबल है। तो देखिए एक और खुद के अलावा भी ये दो और चार से डिविजिबल है, किन्हीं और नंबरों से डिविजिबल है, इसलिए क्या कहेंगे, ये भाज्य संख्याएं हैं या कंपोजिट नंबर हैं। तो मेरे ख्याल से इतने क्लासिफिकेशन में आपको क्लियर हो गया होगा, नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा पार्ट नहीं है पढ़ने का, हमारे कोर्स में नहीं है, फालतू में एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं,
कि एग्जाम ऐसे नहीं बीट होता, एग्जाम बीट करने के लिए क्या पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है क्या हमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ लें और वो एग्जाम में नहीं पूछा जाना है तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आप अपनी एनर्जी केवल वेस्ट कर रहे हो। तो हम काम की चीजें पढ़ते हैं, रियल नंबर, फिर हुआ रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किए तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन अभी हम पढ़ लेंगे, इंटीजर्स को फर्दर किए तो प्लस का इंटीजर, जीरो माइनस का इंटीजर, इंटीजर प्लस के इंटीजर को फिर से किए तो होल नंबर मिला, नेचुरल नंबर मिला। नेचुरल नंबर वही प्राकृतिक संख्याएं एक से जो स्टार्ट होती हैं, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, संख्याओं का समूह। ध्यान रखिएगा, जब भी नेचुरल नंबर की बात आए, जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात आए, जब भी होल नंबर की बात आए या पूर्ण संख्याओं की बात आए, तब भी हमारे दिमाग में एक बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए, वो है क्या कि ये नंबर्स हमेशा समूह में होते हैं, सेट में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, इंडिविजुअल नंबर नहीं होते हैं। फिर नेचुरल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया गया, उसे एक, प्राइम और कंपोजिट। ध्यान रखिएगा, मैं एक को अलग रखा हूं, ना प्राइम में रखा हूं ना कंपोजिट में रखा हूं। एक के साथ भी बहुत सारी दिक्कत होती है जब ये पूछ लेता है कि एक प्राइम है कि नहीं है, तो क्योंकि हमने इस क्लासिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया था, या कभी कभी ऐसे जनरल से क्वेश्चन पूछ लेगा, पहले दस प्राइम नंबर का, पहले दस अभाज्य संख्याओं का एवरेज पता करो, है ना, फर्स्ट टेन नंबर्स का क्या पता करो, एवरेज पता करो। तो क्योंकि आपके दिमाग में ये है ही नहीं कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप कहां से काउंट करना शुरू करोगे, एक दो तीन पांच सात 11, 13, ऐसे ऐसे करके 10 संख्याओं को करोगे, जोड़ोगे और उसका एवरेज निकालोगे, है ना। लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत। और ये पूछा भी है आपके यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी प्रथम 10 प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, और बहुत सारे बच्चे यही गलती किए हैं कि वो एक से जोड़ लिए हैं, और जो पेपर सेट करता है वो इतना खेलता है एग्जाम में, और इस समय तो और ज्यादा, आप पेपर देखिए, सारे ऑप्शन देखिए, लगता है कि यही ऑप्शन सही है, वो तो इतना खेलेगा कि जो ऑप्शन पहला होगा, होता नहीं चार ऑप्शन एग्जाम में ए बी सी डी, यहीं पे जो आप गलती करोगे यहीं पे रखा रहेगा, जैसे देखोगे फटाक से टिक मारोगे, आपको लगेगा कि आपने पेपर में सही करके आए हो, घर पे बहुत खुश, बाद में पता चलेगा अरे यार एक तो प्राइम नंबर था ही नहीं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है, एक को हमने अलग रखा है। ये जब हम प्राइम नंबर नेचुरल नंबर को फिर से आगे पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी आप ये समझो कि हमेशा प्राइम नंबर दो से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है। जब हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर है, मैं इसे रफ कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान रखना ये आपका नंबर लाइन है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है एक बार के लिए, तो पहली बात तो कमेंट की सुविधा होती है, उसे कमेंट करिए, है ना। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर आपको कहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन हर बच्चों का लेवल एक नहीं होता, थोड़ा हमें फास्ट चलना भी है क्योंकि हम इसे क्रैश कोर्स के रूप में लॉन्च कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में चीजें थोड़ा तो स्पीड बढ़ाए होती हैं, है ना, ट्रेन होती है, ट्रेन की स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि चीजें आपका मिस आउट हो जाएं। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहली बात आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको तो। दूसरी बात, आप जो वीडियो चल रहा है आप उसे प्रीवियस पे भी रिपीट करके कई बार उसे देख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोस में वीडियो मोड में सबसे अच्छी सुविधा होती है कि टीचर की कोई बात नहीं समझ में आई तो भैया आप टीचर रुको, हम पिछला पहले देख लें फिर आगे बढ़े, तो आप ऐसा करके भी आगे बढ़ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हम आगे बढ़ते हैं फिर से क्लासिफिकेशन में, फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक। अभी हमने रियल नंबर का किया, रियल नंबर से इंटीजर्स पे आए, इंटीजर्स पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है, जो चीज नेचुरल नंबर में सब उसमें जीरो ही तो एक्स्ट्रा आता है, जीरो का कोई मान नहीं, आप जानते ही हो, ठीक। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में एक नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, उसके बारे में हमने देख लिया। अब आते हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन हमारा टर्म चलता है डेसिमल दशमलव में, कैसे होते हैं, जैसे 5/7, है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे 1/2, ये क्या है, फ्रैक्शन है, और इसे अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.5, तो ये डेसिमल है, ये फ्रैक्शन है, और दोनों एक
इक्विवेलेंट हैं, एक ही चीज लिखा हुआ है, बस दोनों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो अभी मैं ये इमेजनरी भी मिटाल दूं, अगर थोड़ा स्पेस खा रहा हो, और मैं फ्रैक्शन को उठा के थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। ये क्या है? फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल। ठीक है, अभी देखिए फ्रैक्शन को हम फिर से करते हैं। अगर अच्छा नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे कहां फ्रैक्शन होता है, ये देखिए मैं इस चीज को थोड़ा वॉश करता हूं। ये मान लीजिए एक है और ये मान लीजिए दो है, है ना। एक और दो के बीच में आपने स्केल देखा होगा ना, स्केल सेंटीमीटर वाला, उसमें छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। एक और दो के बीच में भी कुछ होता है, यहां पे भी तो कुछ होगा, जिसे क्या बोलोगे, डेढ़, है ना। क्या बोलते हो, ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ये नंबर लाइन आ रही है, हाँ। तो क्या बोलते हैं, 1.5, ये एक और दो के बीच में है। तो एक और दो के बीच में 1.5, इसे हम जूम करें, ऐसे जूम जूम करते हैं ना चीजों को, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो इसके बीच में भी ये सब डिवीजन है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, 1.5 है। तो बीच का जो सब डिवीजन, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें कई बार कई चीजों का मेजरमेंट लेना होता है और वो मेजरमेंट छोटा होता है, माइक्रो लेवल का होता है, नैनो लेवल का होता है, तो वहां पे हमें चीजों को पॉइंट में जाना होता है, छोटे छोटे मिलीमीटर भी काम वहां पे मायने रखते हैं, सेंटीमीटर भी मायने रखता है, इसलिए हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर जूम करके देखे तो यहाँ पे देखेगा, ऐसा नहीं, अभी ये मान लो 1 है, ये 1.1 है, इसे फिर से जूम किया जाए, फिर से जूम किया जाए, तो ये 1, ये 1.1, और इसके भी बीच में ऐसे डिवीजन होंगे, तो ऐसे क्या होगा, 1.09, है ना, ऐसे करके देख सकते हैं, ये भी इसके बीच में आएगा। तो जितना हम फर्दर इसे फिर से तोड़ सकते हैं वो तो डेसिमल पार्ट आता चलेगा। चलो इसको यहीं पे लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन, हाँ, तो समझ में आ गया फ्रैक्शन कहाँ है, नंबर लाइन पे कहाँ होता है, ये बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब फ्रैक्शन को अगर हम क्लासीफाई करें तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ फ्रैक्शन कुछ डेसिमल आप ऐसे देख लेते होंगे, 0.25 बहुत आसान सा है, अगर इसे बदला जाए तो 25/100 या 1/4, ये देखो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये उसका क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट है, बहुत आसानी से दिखता है आपको। कई बार ऐसा दिखता है 0.125 या 0.36 या 0.42, ये सब क्या है आपस में, ये सब है तो डेसिमल ही, ये सब दशमलव में है, ठीक। कई बार आप ऐसे भी कुछ डेसिमल देखते होंगे, 1.33333 बढ़ता चला जाता, होता है कि नहीं होता है, यहां पे कर दूं 0.3333, कई बार होता है। अभी आप 1/3 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और ये बढ़ता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जब 0 लगाएंगे तो 10 आएगा, 3 3 9, एक बार बार रिमाइंडर बचेगा और हर वो बचता चला जाएगा, तो आगे चलता चला। ऑब्जर्व किए होंगे कई बार क्वेश्चन लगाते समय आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा कि 0.333 बढ़ता चला जाए, तो ये भी एक डेसिमल का रूप है ना, ये भी एक डेसिमल का रूप है। आप ऐसे भी डेसिमल देखे होंगे 0.12357891089, सॉरी, तो ये भी क्या है, ये भी एक डेसिमल का रूप है। तो अगर हम डेसिमल को फर्दर क्लासीफाई करें तो इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करके हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा और बोलना पड़ा कि कुछ डेसिमल ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि वो रुकते नहीं है। जैसे 0.25 आप ऑब्जर्व करिए, यहां पे ये रुक गया, अब इसका कुछ नहीं होना, ये आगे नहीं चलेगा, लेकिन 0.33333333 बढ़ता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग से याद रखना, टर्मिनल, टर्मिनल जानते हैं ना, बस टर्मिनल होता है, है ना, वहां पे क्या होता है, बस टर्मिनल मतलब क्या, जहां पे बस आके रुक जाए, लास्ट उसका अड्डा जो होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। तो वहीं से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुके ना। अब इसे फर्दर क्लासिफाई किए तो हमारे पास एक और चीज देखने को मिला, कुछ तो 0.33333 ऐसे, कुछ हमें संख्या ऐसे भी दिखी 0.25 25 25, बढ़ते चला जा रहा है, कुछ हमें संख्या ऐसे भी दिखी 0.63633 बढ़ता चला जा रहा है ना, कुछ संख्या ऐसी भी मिली 0.57986, ऐसा भी मिला, पाई, पाई का मान क्या होता है, वो 3.14 वाला नहीं, पाई का मेन 3.1476 समथिंग ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। देखा जाए जो ये पाई होता है या ये संख्या, इन दोनों संख्या को ध्यान से देखा जाए और इनसे कंपेयर किया जाए, तो यहां पे देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है ना, यहां पे 2 5 2 5 2 5 2 5 बार बार आ रहा है,
यहाँ पे 6 3 6 3 6 3 6 3 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। लेकिन इन दो संख्याओं में देखें तो हमें कोई रिपीटिशन नहीं मिल रहा है, हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है कि चीजें रिपीट कर रही हूं। तो यहीं पे हमने इसे क्लासिफाई कर दिया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, जो रुक नहीं हो रहे होंगे, वो एक होंगे रिकरिंग या रिपीटिंग और एक क्या होंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना, है ना, आवर्ति अनावर्ति आपने हिंदी में पढ़ा होगा। हाँ, तो रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा बढ़ा के इधर से लिख दे रहा हूं, नॉन रिकरिंग, अभी आपको मेरे ख्याल से सब दिख रहा होगा, या नॉन रिपीटिंग हिंदी में होता है ना, आवर्ति अनावर्ति, जो चीजें बार बार रिपीट कर रहे हो और जिसे बार बार रिपीट ना कर रहे हो, तो कुछ ऐसा ही होता है। इसमें अगर एग्जाम्पल ढूंढा जाए तो भाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल 0.3333, और यहां पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल पाए, पाए की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करती है, वो बढ़ती चली जाती है। बहुत लोग बोलोगे 22 पाई बराबर 22/7, 22/7 जब आप करोगे और इसे डिवाइड करोगे तो 6 अंक बाद ये भी रिपीट कर जाएगा, आप करके देख लेना, है ना। ले तो पाई की वैल्यू 22/7 भी नहीं होती, पाई की वैल्यू 3.14 भी, ये मानी हुई वैल्यू होती है कि एग्जाम में आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन पाई का वैल्यू एकदम अलग होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे और लिख दे रहा हूं, जैसे मान लो 0.576932 ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। अच्छा, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, और उसका अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो डेसिमल, डेसिमल को फर्दर क्लासिफाई करें तो टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग, जो ना रुके वो नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे देख ले 0.25, नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर हमें यहाँ पे जब टर्मिनेटिंग की बात हुई तब जब रुक गया अब उसका क्या क्लासिफिकेशन किया जाए, वो तो उसका काम खत्म, वो रुक गया इसके साथ होगा, तो इसे हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया एक रिकरिंग और एक क्या नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग या आवर्ती, और नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्ती, जो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से देखें, क्लासिफिकेशन को अच्छे से देखें तो आपने एक टर्म सुना होगा, क्या, परिमीय संख्या, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये भी क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है और सब इन्हीं में आते हैं पूरे में। क्या है दूसरा, इरेशनल नंबर, वाकिफ सभी हो गए। परिमीय संख्या, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमीय संख्या। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो नहीं 100% तो 99.99% बच्चे बोलेंगे ऐसी सारी संख्याएं जो p by q के फॉर्म में लिखी जा सके, जहां पे q नॉट इज इक्वल टू 0 हो वो परिमेय संख्या, और जो p by q के फॉर्म में ना लिखा हो वो क्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये डेफिनेशन बहुत पुरानी हो चुकी है, कंप्लीट भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्या हकीकत में होता क्या है, अपरिमेय संख्या हकीकत में होता क्या है, और वो आपका इसी क्लासिफिकेशन में छुपा हुआ है और आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपी SSSC में ही, कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं के बारे में क्वेश्चन था वहीं से। अगर आपको नहीं मालूम तो नहीं कर पाओगे। देखिए अपरिमेय संख्या, संख्या पहले हम रैशनल नंबर जानते थे, फिर हम बोलते थे कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सके रैशनल नंबर, ये तो वही बात हो गई ना कि जो आम नहीं है वो इमली है, जो रैशनल नंबर नहीं है वही इरेशनल नंबर है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी एक डेफिनेशन है। देखिए वो डेफिनेशन क्या है, ऐसे सारे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग हो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक, अपरिमीय संख्याएं होते हैं। ऐसे सारे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल पाए, उससे बड़ा √3, √2, √5, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमीय संख्याएं हैं, ई, है
है ना एक्सपोनेंट। ये सारी संख्याएं क्या है? इरेशनल नंबर है। ये डेफिनेशन मायने नहीं रखता पी बाई क्यू, ये भूल जाइए, ओल्ड स्कूल मेथड है। यह होता है अपरिमेय संख्याएं ऐसे सारे दशमलव जो ना तो रुकें और ना ही रिपीट करें, वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। और बाकी सब कुछ आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। आगे बात समझ में। देखिए बहुत बच्चों की शिकायत होगी मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी शिकायत होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगले वीडियो से थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, क्या है इरेशनल नंबर और क्या है रेशनल नंबर। कई बार ऐसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। पाई यहां पे मैं करता हूं, पाई तो आप जानते होंगे रेशनल है या इरेशनल, इस पे एप्लीकेशन भी हो सकता है ना। तो पाई आप देख रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आ रहा है, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको क्लासिफिकेशन की। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, आई होप। जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, एक सुविधा तो आपको मिलती रहती है, फिर से बता रहा हूं उस बात को। अब हम उसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन वे में पढ़ते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, है ना, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं सारी संख्याएं वो होती थी किन्हें छोड़ के, ऐसे डेसिमल नंबर को, ऐसे दशमलव नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले नंबर क्या होते थे? इरेशनल नंबर होते थे। तो फिर जो आपने स्कूल में पढ़ के आया पी बाई क्यू क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। एक्चुअली ये चीज आपकी यहां से आई है, इस क्लासिफिकेशन से, जो हमने पहले क्लासिफिकेशन अभी देखा जस्ट उसके, वहां से ये डिराइव होके आया। जैसे अभी मैं आपको बोलूं 0.25 को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, कहने का मतलब इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखा जाए, भिन्न का इक्विवेलेंट लिखा जाए, तो आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। दशमलव हटाओगे, नीचे दो जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 25/100, और इसे बोल दोगे ये 1/4 के बराबर है। आसानी से 0.10 को आप करोगे या 1 ही है, दशमलव हटाओगे नीचे 1/10 लगाओगे, क्या बोलोगे? ये 1/10 है। 0.5 को दशमलव हटाओगे 1/10 लगाओगे 1/2, इसका इक्विवेलेंट है। लेकिन अभी मैं आपसे बोल दूं कि 0.3333 बढ़ता चला जा रहा है, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में बदलो, तो आप बदल पाओगे क्या? ऐसे डायरेक्ट तो मेरे ख्याल से नहीं बदल सकते कि दशमलव हटाए नीचे कितने जीरो लगा दोगे? अनंत, यहां पे मामला आपका फंस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे भी बदला जा सकता है। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेके आपको कन्वेंशनल तरीके से बता दूं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे होगा आगे की क्लास में। मैं मान लिया कि 0.33, थोड़ा जल्दी करते हैं चीज को, इसे क्या मान लिया मैंने? x, है ना। अब मैं दोनों तरफ अगर 10 से गुणा कर दूं तो मैं 10x बराबर इसे लिख सकता हूं 3333333, है ना। बाद में समझाऊंगा हर चीज कैसे हो रहा है, अभी आप देखिए मैं कैसे इक्विवेलेंट उसको लिख रहा हूँ, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट। अब मैं अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं, अगर ये इक्वेशन सेकंड है ये फर्स्ट है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो मैं बोलूंगा 9x बराबर क्या? ये 3.3333, भाई ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, इसमें से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा माइनस होकर यहाँ पे क्या बचेगा? 3x बराबर हो जाएगा 3/9, या मैं बोल सकता हूँ 1/3। देखिए 0.33 का इक्विवेलेंट आपका क्या है? 1/3, है ना। और आप जानते भी हो 1/3 से ही 0.3333 आया था, हमने इस बात को डिस्कस भी किया था। तो हमने इस नंबर को भी p by q के फॉर्म में लिख लिया, हमने 0.25 को भी p by q के फॉर्म में लिख लिया, जहां पे यहां भी q not is equal to 0 है और यहां भी q not is equal to 0, यहां पे 3 है तो 0 कहां है, यहां पे 4 है तो 0 कहां है ना, तो ये भी not is equal to 0। तो मैं बोलूंगा ये सारी संख्याएं क्या है? p by q के फॉर्म में है, जहां पे q not is equal to 0 है, तो ये सारी संख्याएं क्या है? रेशनल नंबर है। अब आपको बात समझ में आ गई, हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, हम इसे यहाँ पे ऐसे देखते बोलते अरे ये नंबर तो रिपीट कर रही है, भले नहीं रुक रही है, भले टर्मिनेट नहीं कर रही है, लेकिन ये नंबर तो रिपीट कर रही है, तो ये क्या होगी? रेशनल नंबर होगी।
वहीं पे अगर कोई नंबर 0.137913 ऐसे बढ़ती चली जाए, रिपीट कर रहे कुछ नहीं रिपीट कर रहे। अब आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना हो तो आप किसी से भी गुणा कर लीजिए, किसी से भी कोई दिमाग लगा लीजिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब आ गई बात समझ में। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जबकि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं बाकी सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि ये गलत था, लेकिन ये डेफिनेशन क्योंकि उसमें छोटे क्लासों में हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं होता कि हम इतनी चीजें सारी एक बार में समझ सकें, तो टीचर ने या किताब ने क्या बोला सीधा पी भाई क्यों क्यों नॉट इज इक्वल टू जीरो, हमें भी थोड़ा आसान मिल गया, आपको भी आसान मिल गया, है ना, रट लिए काम खत्म, बस हो गया। उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, ये कौन पता था कि हमें यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी पड़ेगी, लोअर का फॉर्म भरना पड़ेगा जहां से ये सारी चीजें भी पूछता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम सीखते हैं और बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें जो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए, वो एक एक बातें मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक काम करते रहिए, अगर क्लास पसंद आ रही हो, अगर आपको ये वीडियोस कंटिन्यू चाहिए, 30 दिन का पूरा प्रोग्राम अगर आपको चाहिए, तो आपको वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, दोस्तों को बताना पड़ेगा, नहीं ये सर हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं और तुम भी देखो, तुम भी सिलेक्शन लो। ठीक है, चलिए, बहुत लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, केवल इधर उधर टहलाते हैं, कुछ नहीं है ना, तो वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आप पूरा यूट्यूब छान डालिए, कहीं भी इतना बेसिक चीज बता दिया जाएगा तो आप बोलना, ठीक है, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आता है इसलिए मुझे जरूरी लगा मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो हम रेशनल नंबर समझ लिए, इरेशनल नंबर समझ लिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे बोला था कि जब मैं इंटीजर को फर्दर क्लासिफाई करता हूं तो उसे इवन नंबर और ऑड नंबर में भी क्लासिफाई कर सकता हूं। अब ये इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, सम संख्या और विषम संख्या। मैं हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा, इवन नंबर मतलब सम संख्या और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, है ना। क्या है इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है, और क्यों इतना जरूरी क्यों है हमें पढ़ना, जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी बात, तो जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़िए तो आपको उसकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। समझ में आने का मतलब कि उसके प्रॉन्स कॉन्स क्या कैसे सब कुछ समझ में आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि अभी बोल दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन आता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत से चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, तो आपको मालूम ही नहीं है सम संख्या क्या है, आपको मालूम ही नहीं है विषम संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे, गड़बड़ कर दोगे। ठीक, तो आप देखते हैं इस चीज को, सम संख्या क्या है, सम संख्या वो है ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, हर वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2 तो खुद ही है, 2/2 क्या 1, 4/2 क्या 2, 16/2 क्या 8, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। अभी मैं यही कहता 17/2 तो पूरा होगा, 8 बार जाएगा और एक आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, एक आपका शेष बच जाएगा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाजित हो, वो क्या होंगी, सम संख्या होंगी, और ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। एकदम गौर से डेफिनेशन को सुनिएगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला ना जीरो के साथ एक स्पेशल केस आता है, जीरो इवन नंबर है कि ऑड, जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या। अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जीरो विषम है कि जीरो सम है। भाई डेफिनेशन पे आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं जीरो क्या है, हमने हमारे दोस्त ने क्या बोला था, हमने किसी किताब में क्या पढ़ा था, हमने किसी वीडियो में देखा था,
सब भूल जाते हैं कि क्या है। हमें अभी डेफिनेशन पे जाना चाहिए कि सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से डिविजिबल हो जाए और विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो से डिविजिबल ना हो जाए, जो आपके सामने लिखा है। एकदम आप इसका फोटो खींच लीजिए, उतार लीजिए। अब जीरो बटे दो, हम ऐसे तो चेक करेंगे ना किसी सम संख्या का है कि नहीं। जीरो को दो से भाग देंगे तो एक डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज, अरे ये क्या लिख दिया जीरो बटे दो, बहुत लोग बोलेंगे ये जीरो ही आता है। हाँ भाई, जीरो बटे दो डिविजिबल हो जाएगा, जीरो ही आएगा। कैसे भाग कैसे देते हो, ऐसे तो देते हो है ना। कितनी बच जाएगा, दो जीरो, ये लो खत्म, कुछ नहीं बचा। ऐसे तो बोलते हो, यहाँ पे क्रॉस आ जाता है तो बोलते हो कि यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो बस आ गया जीरो, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो क्या है, ये सम है। अब बहुतों के दिमाग में तुरंत एक बात आ रही होगी, अरे ऐसे तो बोले तो जीरो थ्री से भी तो डिविजिबल हो जाएगा, तो ये विषम है। लेकिन मैंने ये कब बोला कि जो संख्या तीन से डिविजिबल हो जाए वो विषम है? नहीं, विषम संख्या है वो है जो दो से डिविजिबल ना हो, लेकिन जीरो तो दो से डिविजिबल है, तीन का कोई रोल नहीं है। ये हमारे दिमाग में केवल एक इमेज बन जाती है कि संख्या है तीन से, जैसे हम क्या एक तीन पाँच ऐसे देखते हैं, तो ये पता नहीं क्या है हमारे दिमाग में सबसे पहले तीन आता है, एक जनरल सी बात आ जाती है कि तीन से डिविजिबल। नहीं, तीन का कोई रोल नहीं होता विषम संख्या पता करने में, दो ही पता करता है सम है कि दो ही पता करता है कि विषम है। तो जीरो सम संख्या है, ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इवन नंबर क्या नेगेटिव हो सकते हैं या ऑड नंबर क्या नेगेटिव हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये माइनस दो, ये भी इवन नंबर ही बोलाएगा क्योंकि ये भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा। माइनस तो उसका एक साइन कन्वेंशन है, माइनस तो बता रहा है कि वो चीजें पास्ट की हैं, वो चीजें लेफ्ट हैंड साइड की हैं। माइनस का न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये एक कंट्राडिक्शन है, लेकिन अगर आप कहीं कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे इवन नंबर ही माने। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अब फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं नेचुरल नंबर को। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसे किस में किए थे, वन में, प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। मैंने बोला था कि जो भी नेचुरल नंबर है, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक दो तीन, इसे बता दे रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ चला जाएगा है ना। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर या तो उसमें एक होगा या तो उसमें प्राइम होगा, जैसे दो प्राइम है, पांच प्राइम है, तीन प्राइम है, सात प्राइम है, या तो उसमें कंपोजिट होगा, जैसे चार कंपोजिट है, छह कंपोजिट है, मतलब भाज्य संख्या है। अब देखो कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। इन्हीं सबसे मिलके पूरा का पूरा नेचुरल नंबर बनता है, या तो एक, या तो प्राइम नंबर, या तो कंपोजिट नंबर। एक को मैंने अलग क्यों रखा है, क्योंकि एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों, अभी समझिए, एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, है ना, प्राइम क्यों नहीं, समझिएगा बात को। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने बताया था, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक से और खुद से या सेल्फ से कटे, है ना, एक से कट रही हो, एक से डिविजिबल हो रही हो, या ओन से डिविजिबल हो रही हो, सेल्फ से डिविजिबल हो रही हो। मैं अगर दो को ले लूं तो दो एक से भी डिविजिबल है और दो से, देखिए एक से और खुद से भी, तो ये प्राइम है। मैं अगर तीन ले लूं तो तीन एक से भी है और तीन से भी है, है ना। लेकिन अगर मैं एक ले लूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक से डिविजिबल है और खुद से भी है, फिर क्यों नहीं। लेकिन क्या ये दोनों अलग हैं, नहीं, ये दोनों सेम चीज हैं, तो मैं तो अपने ही बात को कंट्राडिक्ट कर दूंगा। ये क्या, उसी को मैं खुद मान रहा हूँ, उसी को एक मान रहा हूँ। इस कारण एक को ना तो प्राइम नंबर माना गया और ना ही कंपोजिट नंबर माना गया, उसे एकदम अलग रखा गया। तो जब भी कभी प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आए, खासकर कि फर्स्ट प्रथम दस प्राइम नंबर का एवरेज बताओ, है ना, तो आप कहाँ से काउंट करना शुरू करोगे, दो से, है ना। प्राइम नंबर क्या होती है, दो तीन पाँच सात 11, 13, 17, 23, 19, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दो से स्टार्ट हो रही है। ध्यान रखना, एक से प्राइम नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो प्राइम नंबर में थोड़ा ध्यान रखिएगा,
एक चीज और है प्राइम नंबर में, थोड़ा मैं बता दूं आपको, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी 6p+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6p+-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 7 है, 7 को मैं लिख सकता हूं 6×1+1। 5 है, मैं उसे क्या लिख सकता हूं, 6×1-1। 6p की वैल्यू क्या है यहां पे 1, इसके बाद 6p+1 या 6p-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, रेसिप्रोकल इसका सही नहीं है। कहने का मतलब, कोई भी ऐसी संख्याएं जो 6p+-1 के फॉर्म में हो, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे 25 प्राइम नंबर है? नहीं, ये तो 1 से भी डिविजिबल है, ये तो 5 से भी डिविजिबल है, और ये 25 से भी डिविजिबल है, तो ये तो कंपोजिट हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। लेकिन 25 को 6×4+1 तो लिखा जा सकता है ना, तो इसीलिए जो प्राइम नंबर होगा वो तो पक्का पक्का इस फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वो नंबर इस फॉर्म में हो तो वो प्राइम ही हो। ये चीजें चेक करने को जब ऐसा क्वेश्चन दे देता है, 3-4 नंबर दे देगा, जैसे बोलेगा कि 113, 112, 117, आप चेक करो कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या प्राइम है। तो आप क्विकली 6 से डिवाइड करके देख सकते हो, 6 से डिवाइड अगर करोगे, मैं नंबर सिस्टम में, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम में अच्छे से बताऊंगा, इसे अगर डिवाइड किया जाए तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर प्लस माइनस 1 ही बचना चाहिए, मतलब या तो 1 या तो 5। तो आप क्विकली चेक कर सकते हो, अगर रिमाइंडर 1 या 5 बच रहा है तो हम बोल देंगे कि वो प्राइम नंबर है, वरना प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, ये बात थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस रखती है, बट फिर भी बता दिया हूं मैं आपको। चलिए, तो हमें रेशनल नंबर समझ में आ गया, इरेशनल नंबर समझ में आ गया, इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, इवन प्राइम नंबर समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर की बात यहीं पे कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर जिसका 1 और ओन के अलावा भी कोई फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 का फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। फैक्टर मतलब जो उसे विभाजित करे, जो उसे डिवाइड कर रहा हो, 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा। 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और खुद तो डिवाइड करेगा ही करेगा। कोई भी नंबर होगा वो उसे 1 और 6 तो डिवाइड करेगा ही करेगा, उसके अलावा कोई फैक्टर मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं।